नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ग्रेजुएटी बोनस को लेके। जी हाँ, नॉर्मल तरीके से नहीं, अलग तरीके से बात करेंगे। चार पॉइंटों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किसी भी देश में, खास तौर से अगर यूएई में रह रहे हैं, तो ग्रेजुएटी बोनस का क्या मामला है भाई। इसमें देखिए क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या आप इस्तीफा, बिना इस्तीफा किसी जॉब से दिए बिना ग्रेजुएटी बोनस ले सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, इस पर हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि कई बार ये होता है कि जैसे आपका वीज़ा खत्म हो रहा है और आपका नियोक्ता आपकी कंपनी बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको जो भी ग्रेजुएटी बोनस आपकी 15-20 हज़ार 50 हज़ार लाख दराम है वो आपको किस्तों में दे दूंगा, तो क्या ये लीगल है, इनलीगल है, या फिर लें तो कैसे लें, इस पर हम बात करेंगे। आगे हम तीसरे नंबर पर बात करें भाई ग्रेजुएटी बोनस का क्या करें अपन। जैसे आपको पैसे मिल गए 15-20 लाख रुपए, तो उनका आप क्या करोगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चौथे नंबर पे बात करेंगे कि भाई देखिए अवैध, यानी आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम नहीं किया, और उस अवकाश के दौरान आप ये चाहते हैं कि आपको उस टाइम की ग्रेजुएटी बोनस मिल जाए, तो क्या आप इसके हकदार हैं या नहीं हैं। इस चार टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो भाई पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। सबसे पहले बात करेंगे भाई बिना इस्तीफा दिए ग्रेजुएटी बोनस ले सकते हैं क्या। देखिए ये एक आदमी मजबूरी में लेता है। एग्जाम्पल तौर पर आप 10 साल 15 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कुछ ग्रेजुएटी बोनस इकट्ठा हो के मान लो ये 10 लाख 15 लाख रुपए बन गया या 5 लाख जो भी बन गया, आप ये चाहते हैं कि ये पैसा मुझे मिल जाए क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है। हो सकता है आपको घर में मकान बनाने हैं, हो सकता है आपके घर में कोई बीमार हो गया, हो सकता है बच्चों की आप शादी करना चाहते हैं, तो क्या वो पैसा मिल सकता है। देखिए प्रोसेस तो कानून तो ये बोलता है, 1980 Act 8 में पूरा प्रावधान बताया गया है कि भाई ग्रेजुएटी बोनस आप जब कंपनी में आपको एंड ऑफ सर्विस होता है, ये जब आप कंपनी से इस्तीफा देंगे तभी आपको मिलेगी। इस मामले में हालांकि क्लियर स्पष्ट स्थिति नहीं है जी, ये मैं क्लियर कर दूं, आप ऑन ड्यूटी ग्रेजुएटी बोनस ले सकते हैं क्या, लेकिन इसका एक अल्टरनेट जरूर बताया गया अनुच्छेद 132 में कि भाई ग्रेजुएटी का जो पैसा है वो एक अग्रीमेंट पे आपको मिल सकता है। अग्रीमेंट कैसा होता है कि मान लीजिए कंपनी में आप काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अग्रीमेंट होगा, आप लिखित में दे सकते हैं कि मुझे आधा पैसा दे दीजिए, या फिर मेरी जो भी जैसे 10 लाख बन रहे हैं तो उसका 30% दे दीजिए, या फिर आप अग्रीमेंट, ये भी एक अग्रीमेंट हो सकता है कि आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी से लोन इसलिए मिल जाता है कि आपकी ग्रेजुएटी बोनस वहाँ पर पड़ा है, तो ये प्रोसेस हो सकता है लिखित के अंदर। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी मान लो आपकी ग्रेजुएटी बोनस मिल है बकाया, उसमें जब आप इस्तीफा दोगे कंपनी से जब भी, तो आपका जो पैसा कंपनी ने एडवांस दिया है वो कंपनी आपका पैसा काट लेगी। ये बातें उस अग्रीमेंट में पहले से मेंशन कर देगी कि भाई इसको हमने इतना पैसा दे चुका है, ये पैसा जब ये एंड ऑफ सर्विस होगी यानी ये इस्तीफा दे के लास्ट में घर जाएगा, इसका जो भी बोनस बनेगा उसमें से कंपनी काटने का हकदार रखती है। ये बातें लिखित में हो जाएगी ओरिजिनल अग्रीमेंट में। तो ये इस तरह से आप बिना इस्तीफा दिए भी ग्रेजुएटी आपकी बोनस है एंड ऑफ सर्विस आप ले सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट पे। जी हाँ, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि भाई आपकी ग्रेजुएटी बोनस हो गई, आपने कंपनी से इस्तीफा देने की तैयारी चल रही है, एंड ऑफ सर्विस आप ले मांगना चाहते हैं, आपकी जो भी ग्रेजुएटी बोनस बोलते हैं वो आप लेना चाहते हैं, कंपनी या आपका मालिक ये बोलता है, नियुक्ता जिसने आपको रिस्पॉन्सर कर रखा था, जिसके पास आप काम कर रहे थे, कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा किस्तों में दे दूंगा। जी हाँ, देखिए जो वी सरकार का जो बता दूं एक कानून बना हुआ है 1980 में, जो ग्रेजुएटी बोनस का जो कानून बनाया हुआ है उसमें देखिए भुगतान पहले होना चाहिए। एक सिस्टम आपको भी हमेशा ध्यान रखने की बातें हैं कि आप वीज़ा कैंसिल साइन करने से पहले आपका ग्रेजुएटी बोनस आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपकी कंपनी है उसको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम यानी VPS ये लागू होना जरूरी है, उसका भी वो पालन करें। अब ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम कि कंपनी आपका अकाउंट ओपन करके रखती है और वो अकाउंट आपके सिस्टम से लिंक होता है, जैसे अलग अलग ऑनलाइन सिस्टम होते हैं ना गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त, उनसे वो पैसा वहाँ जाता है और वहाँ से आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी इसको बोलते हैं वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, इस पर हालांकि अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसमें पालन कंपनी को करना चाहिए। कंपनी देखिए पहली तो यही है कि भाई आपको ग्रेजुएटी बोनस दे, उसके बाद आप लिखित में आपका वीज़ा कैंसिल होगा और फिर आप इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, कंपनी के पास पैसा नहीं है और आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, आप भी उनका मान रहे हैं कि चलो आप किस्तों में दे दो,
तो आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको लिखित में एक अग्रीमेंट करना होगा, ओरिजिनल अग्रीमेंट। एक तो पन्ने पे हो जाता है सादा, एक होता है लिखित में मोहरे द्वारा मान्यता प्राप्त अग्रीमेंट होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। मैं कंपनी ये लिखेगी कि भाई ये फलाना आदमी है, इनके पासपोर्ट नंबर है, इतने टाइम से ये काम कर रहा था, इतनी इनकी ग्रेजुएटी बोनस बनी है जो हमारे यहाँ पे बकाया है, ये बंदा अभी वीजा कैंसिल करके अपने घर जा रहा है, इतने समय में हम इसके अकाउंट में या तो दुबई के अकाउंट में या फिर इसके इंडिया का जो भी अकाउंट में, हम समय समय पे इनके अकाउंट में किस्तों के रूप में इनकी ग्रेजुएटी बोनस है वो डालते रहें। इसमें गवाह आपके पास होना चाहिए, ये साइन वगैरह हो जाते हैं, फिर आप मान लीजिए इंडिया आ जाते हैं। इसके बाद में मान लीजिए कंपनी आनाकानी कर देती है कि अब क्या जरूरत है, बंदा तो गया इंडिया, क्या कर लेगा, अनपढ़ आदमी बेचारा वापस थोड़ी आएगा। तो आपके पास एक साल का ऑप्शन बचता है, एक साल के दौरान कंपनी के खिलाफ में आप एक्शन ले सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप मोहरे में तो कंपनी मना कर सकती है, लेकिन आप कोर्ट में कंपनी के खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं इससे रिलेटेड। जी हाँ, ये ऑप्शन है। बाकी भाई देखिए, मेरी राय है कि किस्तों वाला सिस्टम आप मन न करें। हाँ, कर सकते हैं उस कंडीशन में जब मान लीजिए उस कंपनी से आप इस्तीफा दे रहे हैं, 5 साल का आपका पैसा बाकी है, 10 साल का बाकी है, और वहीं पर आप दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि वही कंपनी है और वही आप हो। अगर कंपनी नाटक करेगी तो उनके खिलाफ में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है भाई कि ग्रेजुएटी बोनस आपको मिलती है तो उसका क्या करें। हर आदमी का सपना होता है कि मेरे पास 20 30 50 लाख करोड़ जितने भी आपकी कैपेसिटी है आपके होता है, यार इतना पैसा हो तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं अपने सपने पूरे कर लूँ, ऐसे लोगों की सोच होती है। यार कंपनी में मान लीजिए आप 10 साल 20 साल 15 साल काम कर रहे हैं तो आपकी उम्र है वो ढल चुकी होती है, उसमें आपके सपने कम होते हैं, परिवार के सपने पूरे करने में आपकी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उस समय देखिए आपके पास जो भी पैसा है तो आप ये सोचोगे यार इतना कर्जा है मैं कर्जा चुका दूं, आपका कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है उसको खत्म कर दूं, आपने कोई कार लोन ले रखा है, खेती पे लोन ले रखा है, आपको मकान बनाने हैं, आपको बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये ऐसा कुछ आप अपना कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सेटल है, अपने पास पैसे हैं, किसी को नहीं देने, तो बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, बैंक में FD करवा सकते हैं जो आपके काम आ सके, या फिर बच्चों को आप उच्च शिक्षा दिला सकते हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो विदेशों में बच्चों को पढ़ने के लिए डालते हैं, या फिर इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे लाखों रुपए सालाना लगते हैं, वहाँ पे आप अपने बच्चों को बहुत से सुधार सकते हैं। कहने का मतलब ग्रेजुएटी बोनस को आप सही तरीके से यूज लें ताकि वो पैसा आपको 10 गुना आने वाले समय में रिटर्न दे सकें। चाहे ब्याज वाले को आप खत्म कर रहे हैं कर्जा तो भी ये बेनिफिट ही है भाई, 4 साल में 2 रुपये सैकड़ा से डबल हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं कि आप मान लीजिए कंपनी में काफ़ी समय से काम नहीं कर रहे हैं या बीच बीच में आपने छुट्टी ले रखी है, आपको आपने 10 साल कंपनी में निकाल दिए, उसमें से साल भर की आपका टाइम ऐसा गया कि छुट्टियों में चला गया, आप ये चाहते हैं कि वो साल भर का पैसा है वो छुट्टियों वाला भी मुझे मिल जाए, तो क्या मैं ग्रेजुएटी बोनस का हकदार हूँ, आप ये सोचें। तो भाई देखिए, बिल्कुल भी आप ग्रेजुएटी बोनस का हकदार नहीं है। ग्रेजुएटी बोनस वही मिलता है जो आपकी तनख्वाह होती है उसी का ग्रेजुएटी बोनस मिलता है। ये नहीं कि 10 सालों में 2 साल की आपने छुट्टी काट रखी है और आप चाहते हैं 2 साल का मुझे ग्रेजुएटी बोनस कंपनी 10,000 रियाल दे दे या 10,000 दराम दे दे, तो वो बिल्कुल गलत है। अनुपस्थिति में आपकी वेतन आपका जो वेतन है वो ही हकदार होता है। जैसे कंपनी आपको 4 दिन की छुट्टी देती है तो वो मिल जाता है, अनुपस्थिति ग्रेजुएटी बोनस है वो नहीं मिलता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ग्रेजुएटी बोनस सिर्फ आपकी ओन ड्यूटी का मिलता है, बाकी आप छुट्टी मार रहे हैं, आप बीच में भाग रहे हैं, 2 साल में 6 महीने इंडिया काट दिया, तो वो आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ग्रेजुएटी बोनस की बात करें तो 1 साल से 5 साल तक के बीच में 100 अनुच्छेद 132 में बताया गया है कि महीने के में 21 दिन का पैसा मिलता है, 1 साल में 21 दिन का पैसा। 5 साल से ऊपर जो भी टाइम होता है महीने में, जैसे आप 1 साल आपने बिता दिया तो 1 महीने के आपको एडवांस, जैसे मान लीजिए आपकी 2000 दराम दिन महीने की तनख्वाह है तो आपको 1 महीने का 5 साल के बाद में एक्स्ट्रा मिल जाएगा 2000 दराम, तो वो 10 साल तक आप देख सकते हैं 20000 दराम हो जाते हैं। इस तरह से ग्रेजुएटी बोनस आपका मिलता है। अगर 6 महीने के बाद भी आप ग्रेजुएटी बोनस की मांग कर सकते हैं, ऐसा नियम है, लेकिन ये एक अपवाद के तौर पर है, किसी को मिला नहीं है। जी हाँ, अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो भैया आप अपने मोहरे में संपर्क कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र कोई एडवोकेट आपके आसपास में है UAE में तो आप उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। आई होप मैंने कोशिश की 4 पॉइंटों के माध्यम से ग्रेजुएटी बोनस को समझाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।